घर में बिल्कुल सीधा साफ है, अपना घर का काम ही करती है, पढ़ती है लिखती है, इंटेलिजेंट बेटी है मेरी। कितने साल की है? सिगरेट नहीं पीती। सिगरेट मेरे बाप के पास इतना पैसा है ना कि तेरे पूरे खानदान को पाल लेगा, ठीक है। पूरी यूएस जाना है, मैं नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ रिलेशन। कितनी पढ़ाई करेगा तू? मुझे अपनी फैमिली के पास रहना, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बाप के पास इतना पैसा है। चुप, कोई ना, चुप चुप भाई, कोई ऐसे क्यों कर सकता है यार? वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ये झूठ थोड़ा ही बोलेगा। ये इस तरीके से आया है, ब्लेम लेकर आया कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना, आपके ऊपर कहीं ना कहीं आप इल्जाम लेकर आया है कि आपकी बेटी ऐसे कर रही है या जो भी हो। अरे भाई साहब दानिश जी, आप भी समझदार हो, ये गलत कर रही है, ड्रामे कर रही है। मेरी लड़की ऐसी है ही नहीं है। आपको लगता है आप जाके बहुत मतलब झूठ बोल रही है? तो झूठ बोल रहा है साहब यार, हम आप अपने बच्चों का हमें नहीं मालूम है। मैंने आपको इतने पता ही होता तो ऐसे क्यों करती आप बताओ। भाई मेरे मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं दिया हमने। आपने उसको ओवर पैसा दिया है, इसका वो गलत यूज कर रही है। ऐसा दिया है, वो हमारी एक अपने घर की अंडरस्टैंडिंग है, पैसा देंगे नहीं अपने बच्चे को। अगर ये गलत करता होगा ना तो आपको तो पता है क्या कानून होता है, क्या नियम होता है, क्या कायदा होता है, डाल देना आप उसको अंदर। कानून मेरे को मत सिखाओ। मैं नहीं, मैं सिखाने वाला होता भी नहीं हूँ कोई आपको। एक डाल देना उसको अंदर सीधा है। ऐसा है, ये सब ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं। पैसे के लिए तुम मेरे को आप ब्लैकमेल कर रहे हो या ऐसे? भाई मेरे को मैं पैसा मांगा ही अभी आपसे अंकल जी, रिस्पेक्ट करते थे आप, आपका हम समझे अंकल जी। बाबू कच्ची गोली नहीं खेला हूँ, पूरे कानून जानता हूँ। ऐसे केस में फंसाऊंगा ना, जमानत भी नहीं होगी तेरी। क्या तू भी इल्जाम लगा रहा है? इंदर सिंह चड्डा नाम है मेरा, समझ रहा है? रिस्पेक्ट करते हैं अंकल जी, समझे ना। हमको पता है कि क्या आपका नाम है, क्या पहचान है, क्या नहीं है। क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो आप? मेरी लड़की ऐसी है, फलाना ढिमकाना, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हो भाई? कैसे क्या हुआ था आपके साथ? क्या प्रूफ है? क्या क्या कुछ हुआ था, एक बार बता दो। यहाँ पर कैमरा ऑन करना, जो भी चीज है कैमरा के सामने ही बात करते हैं। एक बार बता क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे क्या हुआ था, कैसे इसकी बेटी को जानते हो, क्या है सारा चीज एक बार बताना। भाई मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और वो मेरे साथ ही थी। मैंने उसको बोला कि मुझे कॉपी वगैरह चाहिए, मतलब उससे मैंने बोला नोट्स वगैरह दे दो मुझे और मैं काम करके आपको वापस कर दूंगा। वो मुझे बोलती है कि ठीक है आप ले जाओ। फिर अपनी फ्रेंड वगैरह से बात करने लगी हो कि ये लड़का मुझे पसंद है। तेरे को बोला से? हाँ बोला है मुझे। अरे यार क्या ड्रामे कर। उसके बाद अंकल जी चुप रहिएगा दो मिनट, कर ले भाई तू बात कर ले। वो अपने आप बताइए अपनी बेटी का कितना कैसा परवरिश हुआ है। हाँ हाँ बहुत बिजी मैन है आप। बीजी मैन नहीं है, मैं अभी पुलिस कॉल करूंगा तुम लोग। हाँ ब्लैकमेल करने आया, डरा रहे हैं मुझे ताकि मैं कुछ बोलूं ना। बहुत बीजी मैन हो चुके हैं ना आप। क्या आप भी दानिश भाई एक बार बताओ ना, प्रूफ क्या है इसके पास? वही वही प्रूफ के लिए ही हम लोग यहाँ पे आपको बुलाए हैं। जुबान से नहीं भाई, अपनी इज्जत क्यों उछलवाएगा अंकल जी? आप बताओ, आप मालूम भाई तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तुम? चलो क्या आप अपनी बेटी के बारे में कितना जानते हो? क्या लालच कर रहे हो आप? आप बताओ अपनी बेटी के बारे में कितना जानते हो? मेरी लड़की संस्कारी है, अपना हम मंदिर गुरुद्वारे सब धर्मों को मानते हैं, ठीक है। वो ऐसे काम नहीं करती है, घर में बिल्कुल सीधा साफ है, अपना घर का काम ही करती है, पढ़ती है लिखती है, इंटेलिजेंट बेटी है मेरी। कितने साल की है? सिगरेट नहीं पीती। सिगरेट क्या बात बोला सरदार की लड़की सिगरेट पिएगी? आपको ऐसा ही लगता है। कितने साल की है आपकी बेटी? कितने साल की है? कितने साल आपको की क्या लेना देना कितने साल की? कब की पैदाइश है? क्या की पैदाइश है? हमें तो आपकी या हमारा घर का मैटर है, आपको क्यों बताएं? घर का मैटर है, घर का मैटर है। रिस्पेक्ट जितना था ना आपके लिए मेरे दिल में सब खत्म कर दियो आप। हम क्या भैया, आप गलत बोलोगे तो हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? इसका आंसू गलत है इसका। भाई ये लड़का आया है खुद वीडियो बनवाने के लिए। वीडियो बनाओ आप जो मर्जी बनाओ, आपका राइट है, आप कर सकते हो, बट लेकिन आप किसी प्रूफ से तो चलोगे ना। यही प्रूफ करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं आप। बताओ तो अपने बेटी के बारे में। अरे हम क्या आपको बताएं, आप बताओ ना। आपकी सगी खून है तो आप सुनकर आ रहे हो? आपकी सगी खून है हाँ या ना, ये बताओ ना बस। सगी नहीं है। हाँ तो फिर अडॉप्ट किया मैंने, यही मैं सुनना चाह रहा था आपके मुँह से। क्या सुनना चाह रहे थे आप? मैं अडॉप्ट किया तो इसका मतलब यही मैं सुनना चाह रहा था। तो हम गुनहगार हो गए क्या? भलाई किया ना, अपनी बच्ची की तरह पाला है मैंने उसको।
अगर आपका खून होता ना अंकल जी तो इतना गंदा नहीं होता आपका खून। अरे यार, बस पैसे के रोब, बस पैसे के घमंड में आपका खून बिगड़ा है। जितना छूट दे रखे हो अपने बच्चों को ना, अपनी बेटी को, ये ही कमाते हैं जो उनके मन की इच्छा है, जो मर्जी करें। इंडिपेंडेंट बच्चे हैं आजकल, पढ़े लिखे हैं। ऐसे ना, ऐसे बंदिश बना के नहीं रखते हैं किसी लड़के को भाई। एक पैसे के रोब के कारण मेरे बाल खींच रही है, हाथ पैरों के डंडे मार रही है। कैसे भागे भाई, क्या हुआ था थोड़ा सा वहाँ पे? बस गलती से उसको रस्सी खुली गई, हल्की ढीली हो गई थी, तो मैंने बस छुड़वाई और वहाँ पे वो थी नहीं, क्योंकि वो फ्लैट बंद करके चली जाती थी। मैंने बाहर लड़की पे भरोसा ज्यादा करते हैं पुलिस वाले, वो कुछ और बोल देगी तो मेरा और जिंदगी लाइफ खराब हो जाएगी। अभी कॉलेज में हूँ, पढ़ना लिखना है, अपने घर वालों को देखना है, अकेला कमाने वाला हूँ मैं घर में, मैं क्या करूंगा लाइफ में? वही चीज मैं भी बोलना चाह रहा हूँ अंकल जी, आप हमको समझने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी बेटी अच्छी है, आप अच्छे हो, सारा चीज दुनिया अच्छा है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। या हम क्यों ऐसे समझे? हम ये आपका बात, अगर मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका अपना खून होता ना तो सही होता, आपका अपना ही खून तो नहीं है। खून की नहीं, बात है संस्कार की। हमने अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं दिए, क्या प्रूफ है आपके पास? ऐसे बातों से थोड़ी सारी, यही 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 प्रूफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। काम करो, ठीक है, अभी फोन कर यहाँ पे, और डरना एकदम नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कैमरा लगा हुआ है। और सुन लो, ये मुझे जेल में डाल देंगे, रहने दो। एक बात हो रहा है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे सामने मेरी लड़की की गलती निकली, तुम्हारे सामने यही एक्शन लूंगा, लेकिन अपनी बात भी याद रखना बेटा, ऐसा जेल में डालूंगा फिर। हम भी यही चाहते हैं अंकल जी, नहीं होने दूंगा। हम भी यही चाहते हैं अंकल जी, डरा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तेरी गलती होगी बेटा, तेरे को नहीं पता। भाई लड़की वो मुकड़ जाएगी, वो बहुत तेज लड़की है। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम हैं ना यहाँ पे, डरो मत। होगी, मैं अपने आप देख लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे जुबानी बोले जा रहा है भाई, लड़की खराब है। फोन करो यहाँ पे, और फोन करके यहाँ पे बुलाओ उनकी बेटी को, और जो भी चीज होगा ना, डरना नहीं है। तू क्या कर रहा है? करता हूं फोन। नहीं, ये करेगा फोन, आप करोगे तो हरकत कहाँ से सामने आएगा? कर ले, तू कर ले, हमें क्या, फोन करो। और जो भी चीज हो, तकरीबन आपको सारा स्टोरी समझ में आ चुका होगा कि ये बेचारा क्या कहना चाह रहा है। अमीर बाप की बेटी जो वकील के नाम का धमकी दे रही है, एक लड़के को बंदिश बना कर, तो फोन करके यहाँ बुला लो। अब बुला ले यार, बुला ले भाई, बुला ले, कोई बात ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू छूट के कैसे आया? मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इसलिए आ गया। तू यहाँ कैसे आया छूट के? अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुझे चाहिए क्या, तू बता? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, ऐस करेगा तू, तुझे चाहिए क्या? मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं तुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुझे क्या चाहिए? मेरे को नहीं रहना। अच्छे खानदान की लड़की हूँ, तुझे चाहिए क्या? नहीं, तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम जाओ यहाँ से। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? अच्छी हो तुम? क्या कमी है तू बता मुझे, तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुम जाओ बस। तू बता तुझे क्या चाहिए बता? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू राज करेगा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, तुम पर मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कमी क्या है तू ये तो बता, कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। क्या चाहिए होता है? सुंदर लड़की, अच्छे खानदान की हूँ, इतने पैसे की पूरी जिंदगी ऐश करेगा, तुझे क्या चाहिए बता? मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मानेगा तू? प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं करता। तुझे क्या चाहिए बता? मुझे किसी चीज की कमी नहीं रखो, मुझे अकेला छोड़ दो बस। कितना पैसा है? मुझे अकेला छोड़ दो बस। बता तुझे क्या चाहिए बता? मुझे अकेला छोड़ दो। तू छूट के कैसे आया वैसे तू? हाँ, तेरे को किसी ने यहाँ देखा तो नहीं? तू तुझे आया कैसे तू बता? अरे मैं गेट खुला छूट गया था, आ गया मैं फिर, और तुम किसी के साथ भी ऐसे करोगी तो कोई भी आएगा ना। तू आया कैसे तू यहाँ पे? अरे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना था, इसलिए मैं वहाँ से छूट के आ गया। क्या तुझे हर चीज की, मुझे तुम्हारे पैसे और तुमसे मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी आजादी चाहिए और मेरे को अकेले रहने दो प्लीज, मैं नहीं रह सकता ऐसे। मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना करती हूँ कि तू सोच नहीं सकता, तुझे क्या चाहिए? मैं कितने बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं तुझे पता है तुझे क्या चाहिए मेरे अंदर बता। मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ देखो, लेकिन प्लीज मैं नहीं करता आपसे प्यार, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा।
फैमिली से दूर तुझे कौन कर रहा है, हम साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे, मेरे बाप के पास इतना पैसा है ना कि तेरे पूरे खानदान को पाल लेगा, ठीक है तू बता। तुम ऐसे मत बोलो, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये क्या बोल रही हो तुम, मुझे किसी को पैसे प्यार से... है मुझे प्लीज मुझसे दूर रहो, प्यार से समझ जा, मैं नहीं करता तुमसे प्यार, प्लीज मैं नहीं करता तुमसे प्यार, मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगी, तू बस मेरा, मैं तुझे, मैं किसी भी हालत में तुझे पाके रहूंगी, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फैमिली क्या है फैमिली, मुझे देख तू, मुझे, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं तुझे इतना, तुझे क्या चाहिए लाइफ में बता, क्या चाहिए तुझे, गाड़ी क्या चाहिए तुझे बता, मैं दूंगी तुझे लाके, मुझे अकेले रहना है बस, अकेले अकेले क्या करेगा, अकेले क्या करेगा, अकेले बता, बस मुझे पढ़ाई करनी और यूएस जाना, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रिलेशन, कितनी पढ़ाई करेगा तू, कितनी पढ़ाई कर, तुझे माचर से मैं तुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे, मैं प्यार से समझा रही हूँ मैं तुझे, मान जा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम कहाँ जाएगा, लंदन, कहाँ, पेरिस, हर जगह घूमेंगे हम, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, खुश रहेंगे बहुत ज्यादा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत छुओ, बस तू ही दिखता है मुझे, बस मान, नहीं मान जा, बोल रही तुझे, क्यों नहीं तू, मैं हाथ उठाना नहीं चाहती, तू रो मत, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ ना, प्यार समझा रही हूँ ना, तू ये बता तू छूट के कैसे आया बता, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना था, तू यहाँ क्या कर रहा है, हम बहुत दूर चले जाएंगे, हम यहाँ से हम बहुत दूर चले जाएंगे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और मुझे वापस ये किडनैप विडनैप मत करवाना, मैं बता रहा हूँ आपके पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, मैंने तुझे इसलिए बांध रखा था कि तू मुझसे दूर मत हो मेरे से, इसलिए मैंने तुझे किडनैप नहीं पा, मैं चाहती थी तुम मुझसे दूर मत हो, बस मैं यही चाहती थी, नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज किसी कोई भी प्यार तुम ऐसे नहीं पा पाओगे, तुम्हारे साथ नहीं रहना, अच्छी नहीं हूँ मैं, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, क्या कमी है तू मुझे बता, तुम्हें कोई कमी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें और कोई अच्छा मिल जाएगा तो करेगा ना, मैं अपने घर वालों के कहने से करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा लड़कियों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी हरकतें देखी है, बस तू मिल जा, मैं तुमने जितना मुझे मारा है ना, तू मिल जा, मैं बिल्कुल, मैं क्या कमी है बता, मैं अपने आप को बदलूंगी बता, तुमने जितना मुझे मारा है ना, मुझे आज तक घर वालों ने हाथ नहीं लगाया, तू मुझे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं 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 मार ले, बस बस, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे साथ, तुम कुछ भी कर लो, मैं प्यार से समझा रही हूं ना तुझे, नहीं प्यार से समझा रही हूं ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों, हम बहुत खुश रहेंगे, मानता क्यों नहीं है तू, मानता क्यों नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज ऐसे मत करो, मैं अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं कर सकता मैं तुमसे प्यार, नहीं करता प्यार, क्या चाहिए प्यार के लिए, क्या चाहिए पैसा, शरीर, क्या चाहिए तुझे, मैं हूं ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तू मुझे बता, तू मुझे बस अकेले रहने दो, मैं अकेला खुश हूँ, तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए जिससे तुझे प्यार होए, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के पास रहना, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बाप के पास इतना पैसा है। वो मुझे छेड़ रहा था, ये छेड़ रहा क्या, तू उसको बदतमीजी कर रही है यहाँ, नहीं पापा मैं यहाँ से जा रही थी, इसने फोन भी, देखो मेरा फोन इसने छीन के वहाँ पर रख दिया, फोन नहीं छेड़ा तू, एक आपको यकीन नहीं हो रहा था कि आपकी बेटी कुछ ऐसा कर सकती है, मैं बोला ना आपकी खून होती ना तो यकीन हो जाता मुझे भी, मगर आपकी खून नहीं थी ये, क्या कर रही है बेटा तू, ये मेरी मेरी इज्जत को थोड़े दाग लगा दिया आज, सारा दुनिया तमाशा देख रही है मेरी, तूने रिस्पेक्ट समझी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं छेड़ रहा था, ये नकुल मैंने मारा है, मारा तूने उसका कैसे हाथ होगा, हैं तेरे दिल तो करता तो मारू कान पे थप्पड़ तेरे, बैठ जा, क्या क्या इसके साथ तेरे, छोड़ बेटी आपकी क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तू, हैं वो मेरे को उसने सारी लड़के ने बातें बताई है, पापा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इसने झूठ बोला, जो भी तूने उसको किडनैप करके रखा हुआ, इतना बड़ा क्राइम करके बैठे हुए, वो तो शुक्र है मेरे पास आ गया पागल, अगर वो पुलिस में चला जाता कौन मेरी इज्जत के क्या क्या रहता फिर,
अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी कुछ ऐसा कर सकती क्या है? क्या इसको समझाऊं, क्या समझाऊं, मन्नतें मांग मांग के लिए मैंने, औलाद नहीं होती थी मेरे, मैं परेशान था दुनिया से, ताने सहता था लोगों के, मेरी घर वाली बीवी सुनेगी इसके बारे में तो वो सुन सुन के मर जाएगी, इसे कोई अकल नहीं है। इसलिए छूट दीजिए अपनी बेटी को और बढ़ावा दीजिए पैसे का। मारू कान पे, छूने की जरूरत नहीं है मेरे को। यार खड़ी हो जा, उधर वहां बैठ जा, चुप करके, मेरे को छूने की जरूरत नहीं है तुझे। क्या करूं मैं, अरे मेरी इज्जत की तूने धज्जी उड़ा के रखी, सरदार की इज्जत पगड़ी होती है, है? हमारे धर्म में सिख में क्या सिखाया है? ये तूने सीखा बेटा, ये अपनी ड्रेस कोड देख, तू घर से कौन से कपड़े पहन कर आती है और ये तेरे ड्रेस कैसे चेंज हो जाती है बारह के। आपको जब बताया जा रहा था तो कि आप आपकी बेटी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है आपको। इन्होंने हालत खराब कर दी मेरी, है ये मेरी बेटी है, बताओ समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। दानी जी आप सही कह रहे थे यार, मैं तो मेरा दिल कर रहा है मैं खुद मर जाऊं, क्या करूं इसका, इसका क्या करूं, क्या करूं इसका, मैं तो खुद मरने जा रहा हूं बेटा, क्या करूं इसका, इज्जत का नाश कर दिया, क्या माफ करूं तेरे को, क्या माफ करूं बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं मरूंगा अब, तुझे कुछ नहीं है, तू कर जा, कर ऐसा कर जा, और दो तीन बंदे कर जा, मेरे कान छोड़। कहाँ से लेकर आए थे भाई, कहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से इसको लेकर आए थे भाई? क्या बोले खड़ी हो जा यहाँ से, चली जा मेरी आंखों से दूर, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जा यहाँ से, चली जा वरना मैं कुछ कर बैठूंगा, चली जा यहाँ से। ये सब ना आपके वो नहीं होता है, छूट देने का नतीजा है। क्या करूं भाई, इंसान ममता में अंधा हो जाता है, मैं भी पागल हो गया था। क्या करूं, इस वीडियो को डालूं? बस आपसे इतना एक परमिशन दे दीजिए कि ये वीडियो मुझे डालने दीजिए, ताकि मैं दिखा पाऊं दुनिया को। मैं कह रहा हूं भाई, गलती माँ बाप से भी हो सकती है। मत डालियो यार, मेरी इज्जत खराब होगी। ठीक है, नहीं डालूंगा मैं, तो बस एक सीख के लिए, एक मैसेज के लिए डालने वाला था, मगर अगर आप नहीं डालवाना चाहते तो मैं नहीं डालूंगा वीडियो। इस लड़के की इज्जत खराब होगी इस तरीके से, ना जाने कितनी और लड़के की इज्जत खराब हो जाएगी। चलो कोई नहीं, आपकी बेटी नहीं करेगी, कोई और कर देगी। कहां से लेकर आए थे उस लड़की को? यार तू वीडियो डाल दे, अब क्या रह गया, वीडियो डाल कि गलती माँ बाप से भी हो सकती है। वीडियो डाल, जो मर्जी डाल, आपकी परमिशन होगी तो ये मैं वीडियो डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा वीडियो। डाल दे भाई, परमिशन ही है, इतना कुछ हो पीछे वीडियो भी रह गया वो भी डाल दे, क्या रह गया, डाल दो भाई, डाल दे यार, तेरे को परमिशन है, मैं तो वैसे परेशान हूँ। गलती भाई आपसे भी भाई हो सकती है, अपने परवरिश में मत ले बेटा, अपने बच्चों को ध्यान दो, ध्यान रखूंगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आपके बच्चों, ध्यान रखो। अगर तेरे को मेरी लड़की या कोई भी लाइफ में कोई भी एक्शन लेने वाले थे ना अपनी बेटी को, क्या किया अपनी बेटी के ऊपर, क्या एक्शन लिए हो? एक्शन तो तुझे मालूम नहीं है, मैं क्या क्या लूंगा, घर जाने दे फिर मैं देखूंगा, या रोड पे क्या एक्शन लूं। थैंक यू भाई, तुमने मेरी मदद कोई की कोई नहीं यार, और ध्यान रखा करो यार, कहीं भी ऐसे ही पार्टी वार्टी में मत जाया करो। अरे मुझे क्या पता था ऐसे नशा करा के और ऐसे ले जाएगी, बेहोश करवा के मुझे यार सारी। चलो यार बंद करो वीडियो।